आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उस रेसिपी का नाम है फ्राइड नूडल्स विथ वेजिटेबल। बहुत ही अच्छी रेसिपी होती है और सबको स्पेगेटी जो खाते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा शौक होता है इन सारी चीज़ों को खाने का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टफुल होती है और उसमें वेजिटेबल्स होती हैं। वेजिटेबल्स भी बहुत अच्छी होती हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, इसी तरह देखते रहें हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलते हैं प्रॉपर अपनी रेसिपी, रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। नूडल्स वेजिटेबल बनाने के लिए हमने ले लिया स्पेगेटी एक पैकेट। इसमें से हम करेंगे हाफ यूज करेंगे, इसमें से हम हाफ हम रख देंगे नेक्स्ट टाइम बनाने के लिए। तो हम हाफ बॉइल करते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। फ्राइड नूडल्स विथ वेजिटेबल बनाने के लिए हमने हाफ पैकेट यूज कर लिया स्पेगेटी का, इसको हम करेंगे बॉइल। देख सकते हैं कि हमने फ्राइड नूडल्स विथ वेजिटेबल बनाने के लिए यहाँ एक पोट लिया। पोट के अंदर हमने इसमें पानी ऐड कर दिया बहुत ज्यादा, ताकि आज भी जरूरत पानी ऐड कर दिया ताकि स्पेगेटी उबल सके। अब इसके अंदर पानी के अंदर बॉयल आएगा, उसके बाद हम इसमें क्या चीज ऐड करते हैं ये आपको बताते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। देख सकते हैं पानी के अंदर अच्छी तरीके से बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून ऑयल, ताकि हमारी स्पेगेटी एक दूसरे में चिपके ना, इसलिए हम इसके अंदर ऑयल ऐड कर दें। इसके अंदर ऐड कर देंगे स्पेगेटी हाफ पैकेट। अब ये खुद ही आहिस्ता आहिस्ता नरम होती जाएंगी और ये पोट के अंदर जाती रहेंगी आहिस्ता आहिस्ता, खुद ही देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता जाती जा रही हैं नरम हो। माशाल्लाह यहाँ देख सकते हैं हमारी स्पेगेटी आधा पैकेट पूरा डिप हो चुका है इस पानी के अंदर। इसको हम 5 से 6 मिनट तक बॉयल कर लेंगे, ताकि हमारी स्पेगेटी अच्छी तरीके से बॉयल होने का, फिर आपको दिखाते हैं लोग इसका 5 से 6 मिनट के लिए 5 से 6 मिनट के ब्रेक के बाद फिर दिखाएंगे आपको बॉयल हुई स्पेगेटी। 5 से 6 मिनट हो स्पेगेटी अच्छी तरीके से बॉयल हो चुके हैं। इसका कवर हटा के होकर उसका लुक दिखा देते हैं। अब उसको हम छानते हैं और दिखाते हैं आपको उसका लुक। स्पेगेटी को हम स्टेनर की मदद से छान रहे हैं, ठंडे पानी की बरसात करेंगे, बारिश हो रही है ठंडे पानी की स्पेगेटी के ऊपर, ताकि ये अच्छी तरीके से एक दूसरे में ना चिपके, सेपरेट रहे। क्या करते हैं आपको बताते हैं। फ्राई नूडल्स विद वेजिटेबल बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई लिया, कढ़ाई के अंदर हमने 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया, वो अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा। तो उसके अंदर क्या चीज़ ऐड करते हैं आपको बताते हैं। देख सकते हैं हमारा ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, इसके अंदर ऐड कर देंगे बॉयल हुए हुए नूडल्स हमें फ्राई अच्छी तरीके से। ये देख सकते हैं हमने खोल लिया हाथों से अपने हाथों की मदद से हल्का सा स्प्रेड कर लिया है और तमाम स्पेगेटी अलग अलग हो चुकी हैं। अब इनको हम कर लेंगे अच्छी तरीके से फ्राई, 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। देख सकते हैं स्पेगेटी फ्राई हो चुकी है, 1 मिनट तक हमने इसे फ्राई कर लिया। इसको निकालते हैं एक बॉल के अंदर, उसका फिर दिखाते हैं आपको लोग। यहाँ देख सकते हैं हमने स्पेगेटी को फ्राई कर लिया, इसको एक बॉल में हमने कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ देख सकते हैं कि हमने लिया है फ्राई नूडल्स विद वेजिटेबल बनाने के लिए 2 टेबल स्पून ऑयल, वो अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। इसके अंदर ऐड कर देंगे हम 1 टेबल स्पून। इसको हमें अच्छी तरीके से करना है फ्राई, गोल्डन ब्राउन करना है हमें इसे। गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसके अंदर ऐड कर दें 1 कप गाजर और उसको अच्छी तरीके से हम करेंगे फ्राई। कढ़िया से हम कर लेंगे वाल के साथ अच्छी तरीके से फ्राई। फ्राई नूडल्स विद वेजिटेबल, क्योंकि हमें सारे वेजिटेबल्स को अच्छी तरीके से फ्राई करना है। यहाँ हमने सबसे पहले गाजर ऐड कर दी, क्योंकि गाजर बड़ी हार्ड होती है, इसको ज़रा सॉफ्ट होने में ज़रा टाइम लगेगा। 1 से 2 मिनट इसे कर लेंगे अच्छी तरीके से फ्राई, और सबसे पहले गाजर ही ऐड करनी है आपने। बहुत ही इसमें से अच्छी खुशबू आ रही है, इसका कलर चेंज होता जा रहा है, खूबसूरत सा कलर आता जा रहा है और कुक होती जा रही है गाजरें। मिनट हो चुका है कुक होते, इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप कैरेट, वो भी हम अच्छी तरीके से कुक करेंगे। फिर चल के से 1 मिनट अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे जूलियन कटी हुई तमाम चीज़ें। इसके अंदर हमने 1 कप ऐड कर दिए गाजर, कैबेज एंड कैप्सिकम, बोल देती हूँ गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी। हम 1 टीस्पून नमक, ये अपने टेस्ट के मुताबिक, 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास चिकन क्यूब हो तो वो बहुत ही अच्छी बात है, अभी हमारे पास नहीं है तो हमने यहाँ ऐड कर दिया चिकन पाउडर, ये भी चिकन क्यूब का ही काम करता है। अब इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे 2 टेबल स्पून चिल्ली सॉस,
लिए हम 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून हमने सोया सॉस इसमें ऐड कर दिया है, 1/2 कप केचप। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरीके से करेंगे मिक्स। 2 मिनट कुक कर लिया, अब इसके अंदर ऐड कर देंगे फ्राई हुए हुए नूडल्स। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर आपको उसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून हरी प्याज, इसे भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। यहाँ देख सकते हैं इसे दोबारा से मिक्स करना है हरी प्याज डाल के, और ये रेडी हो चुके हैं। इसको डिश आउट करने का दिखाएंगे इसका फाइनल लुक। देख सकते हैं कि हमारी फ्राई नूडल्स विथ वेजिटेबल हो चुके हैं कंप्लीट रेडी। इसमें वैसे भी गार्निश की ज़रूरत नहीं, मगर हमें तो आदत है गार्निश करने की। हरा धनिया जो हर रेसिपी को 4 चांद लगाता है, चाइनीज़ किसी में हरा धनिया डालते हैं और ऐड करते हैं क्योंकि हमें बहुत पसंद है। यहाँ देख सकते हैं हमारी फ्राई नूडल्स विथ वेजिटेबल हो चुकी हैं कम्प्लीट रेडी। इसे हमने गार्निश करा बारीक कटा हरा धनिया के साथ। बहुत ज़्यादा कलरफुल, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा क्विक, बहुत ही ज़्यादा जायकेदार, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इसी तरह देखते रहें हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।